पाकिस्तान में यहाँ पर इसको फॉलो करते जाओ। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम हंटिंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मुबशर अहमद। अल्लाह ताला ने कनाडा को बेशुमार मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से नवाजा है। घने जंगलात से लेकर ऊंचे पहाड़, वसी झीलें और उसके साथ साथ खुले मैदान भी यहां पे हर तरफ पाए जाते हैं। इन सब सहूलतों को और नेमतों को कनेडियन कॉम्प ने बड़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। इस वक्त हम अल्बर्टा सूबे के शमाल में एक जंगल में मौजूद हैं और यहाँ पे हम हंटिंग करने के लिए आए हैं। हंटिंग यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की होती है और उन सब जानवरों को शिकार करने के लिए उसके साथ बहुत से कवायद और ज़वाबत भी मौजूद हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और इन कवायद और ज़वाबत को बड़ी सख्ती के साथ हुकूमत की तरफ से नाफिज किया जाता है। तो आप हमारे साथ रहिए इस प्रोग्राम में और हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपको हर किस्म की मालूमात हंटिंग के मुतालिक, उसके कवायद और ज़वाबत के मुतालिक, जानवरों के मुतालिक, इलाके के मुतालिक और इसमें जो इस्तेमाल होने वाला साजो सामान है उस सब के मुतालिक हम आपको मालूमात वहाँ पहुँचाएँगे। तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। शिकार के लिए हमने सब साजो सामान एक जगह पर इकट्ठा कर दिया था और इस सामान में खाने पीने से लेकर राइफलें, गोलियां, गर्म कपड़े, मुख्तलिफ छुरियां, कुल्हाड़ी, चूल्हा, सिलेंडर, स्लेड और तरपालें वगैरह शामिल थीं। दोपहर के बाद हम ये सामान ट्रकों में रखकर रवाना हुए और वाइट कोट, फॉक्स क्रीक, ग्रैंड प्रेरी और मेरेथ्रोप वगैरह से होते हुए तकरीबन 600 किलोमीटर का फासला तय करके रात हम फेयरव्यू पहुँचे। फेयरव्यू के एक मोटल में रात गुजार कर हम अलग सुबह उस इलाके की तरफ रवाना हुए जहां हमें शिकार खेलना था। शिकार का वक़्त चूँकि सूरज लू होने से तकरीबन आधा घंटा कबल शुरू हो जाता है, इसलिए हमें तकरीबन एक घंटा पहले मोटल से रवाना होना पड़ा। ये इलाका फेयरव्यू से तकरीबन 60 किलोमीटर मजीद शुमाल की तरफ है। इस इलाके में चूँकि खेत और जंगल साथ साथ हैं, इसलिए शिकार निस्बतन आसानी से मिल जाता है। शिकार का वक़्त चूँकि सर्दियों के शुरू में होता है, इसलिए ये तमाम इलाका बर्फ़ से ढका होता है और ख़ास तौर पर सुबह और शाम के वक़्त ड्राइविंग में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। इस इलाके में पहुँच कर हम दो टीमों में तकसीम हो गए और अपने अपने मुकर्रा इलाकों में किस्मत आजमाई करने लगे। इस इलाके में तीतर की बहुतात है और यहाँ मुख्तलिफ किस्मों के तीतर पाए जाते हैं, लेकिन हम हर तरह का तीतर शिकार नहीं कर सकते। ये आपका फ़र्ज़ है कि गोली चलाने से पहले आप अच्छी तरह इत्मीनान कर लें कि जिस परिंदे को आप शिकार करने लगे हैं उसके शिकार की यहाँ पर इजाज़त है भी या नहीं। That's it. The one in the front, that's a little one. That's a fawn, right? That's a small. That's a kid. The one in the back is the big sized doe. Okay. इस
वक्त मेरे साथ अलबर्टा सूबे के माने हुए शिकारी इनाम अलाई खान साहब और उनके बेटे नुमान अलाई खान साहब मौजूद हैं। तो हम इनाम और नुमान खान साहब से सवाल करते हैं हंटिंग के बारे में कि हमें वो बताएं कि वो कब से हंटिंग कर रहे हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो इनाम साहब खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनाम साहब आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आप कितने अरसे से कनाडा में हंटिंग कर रहे हैं? मैं तकरीबन 12 साल से अल्बर्टा में हंटिंग कर रहा हूँ। तो 12 साल से जो आप हंटिंग कर रहे हैं, बेसिकली आपको आके कुछ करना पड़ा था या आपने जाके स्टोर से एक बंदूक खरीदी और आके यहाँ पे जानवरों को मारना शुरू कर दिया? नहीं जी, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा एक प्रोग्राम है जिसमें आप एक सेफ्टी कोर्स करते हैं, उसके बाद आप गन खरीद सकते हैं। जब तक वो नहीं ख़रीदते उस वक़्त तक आप गन जो है वो ख़रीद नहीं सकते। उसके साथ ही एक फ़र्स्ट टाइम हंटिंग कोर्स है, वो कोर्स लाजमी है। जब वो आप कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपको परमिशन मिलती है कि आप हंटिंग कर सकें। अच्छा, तो ये कोर्स जो करना पड़ता है, नवाज साहब आप तो मुझे काफ़ी माशाल्लाह यंग लग रहे हैं, तो ये कोर्स आपने भी किया हुआ है या आप सिर्फ डैड के कोर्स पे गुजारा कर रहे हैं? जी, मैंने भी कोर्स किया हुआ है। पहले तो साथ ही जाके सिर्फ देखता था कि साथ में ऑब्जर्व करता था कि क्या करते हैं डैड। फिर जब उम्र हुई तो हमने जाके भी कोर्स किया, तो उसके बाद ही फिर मैंने भी राइफल चलानी शुरू की है। उम्र हुई से आपकी क्या, कितने साल की एज की लिमिट थी कि आप कोर्स कर सकते थे? 12 साल के बच्चे जाके वो कोर्स कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम हंटिंग कोर्स जो कर सकते हैं। फिर उसके साथ वो पेरेंट के साथ जिनके साथ फुल लाइसेंस है उनके साथ जाके वो शिकार खेल सकते हैं। वेरी गुड। तो इनाम साहब आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त शदीद सर्दी है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है और हम इस वक्त एडमिंटन शहर से कुछ 600 किलोमीटर शमाल में आए हुए हैं, तो यहाँ तक आने की क्या ज़रूरत थी? शहर के करीब का हिरन नहीं मिलते या जानवर नहीं मिलते या कोई हुकूमत की ओर से कोई पाबंदी है कि शहर को कोई नुकसान होगा या क्या, क्यों आप हमें इतनी दूर लेके आए हैं? मुबशर साहब, ऐसे है कि जानवर तो हर जगह बहुत है। अल्बर्टा जो है उसमें वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है, और वाइल्ड लाइफ इतनी ज़्यादा है उसको जो कैनेडियन गवर्नमेंट है और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है, इन्होंने इस तरीके से इसको मैनेज किया हुआ है कि हर इलाके इसको मुख्तलिफ इलाकों में WMU में डिवाइड किया हुआ है। और आप अगर उसका जून में शुरू होता है इसका ड्रा सिस्टम, जब ड्रा जो है आप अप्लाई करते हैं उसमें देखते हैं कि कौन सा जानवर आपने मारना है, और उसमें जैसे मूस है, एल्क है, बेयर है और म्यूल डियर है, इनके बकायदा ड्रा अप्लाई जून में करते हैं और जुलाई में उनके रिजल्ट्स आते हैं। और उसके बाद आप जिस इलाके का आपने अप्लाई किया हुआ है अगर आपका ड्रा हो जाता है तो फिर आप उस एनिमल के लिए उस इलाके में ही जाते हैं और उस इलाके के अलावा आप वो एनिमल कहीं नहीं मार सकते। तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे आज हमने म्यूल डियर का अगर हम शिकार करने वाले हैं तो ये जो हम म्यूल डियर का शिकार करने वाले हैं इस इलाके में हमें एल्क भी नज़र आए हैं सुबह, तो आपका मतलब है कि हम एल्क को गोली नहीं मार सकते, म्यूल डियर को मार सकते हैं, लेकिन अगर हम सड़क के उस तरफ चले जाएं तो वहाँ पे भी हम म्यूल डियर मार सकते हैं कि हमारे पास म्यूल डियर की इजाज़त है या क्या चक्कर है? यहाँ पर जो ड्रा हमने अप्लाई किया था वो म्यूल डियर का अप्लाई किया था और यहाँ हम सिर्फ म्यूल डियर ही मार सकते हैं। बाकी जो एनिमल हैं जिस तरह एल्क का नर है और वाइट टेल नर है, ये दोनों जानवर जो है ये जर्नल लाइसेंस पर हम यहाँ शूट कर सकते हैं। ठीक है। नुमान साहब आप मुझे बताएं कि आप आजकल किस किस्म की गन इस्तेमाल कर रहे हैं हंटिंग के लिए? जी, मैंने 38-6 पहले तो डैड इस्तेमाल करते थे, तो आगे मुझे दी गई थी तो उसी पे मैं टारगेट भी प्रैक्टिस करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, यहाँ पर आके शिकार पे 38-6 ही इस्तेमाल करता हूँ। तो इस दफ़ा आपके पास कोई ड्रा वगैरह निकला हुआ है, कोई कौन सा जानवर इस दफ़ा आपने शिकार करना है? हमारे जनरल टैग जो हैं, जो वाइट टेल डियर के टैग हैं, और एक दूसरी WMU में मेरा कैफ मूस का टैग निकला हुआ है। ठीक है, हमारे साथ रहिए, तो देखते हैं हम क्या शिकार कर सकते हैं। म्यूल डियर हमें आसानी से मिलता है या कैफ मूस मिलता है, तो साथ रहिए हमारे और देखते रहिए। अल्बर्टा में हंटिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप ट्रक के ऊपर भी जंगल के अंदर आ सकते हैं, आप पैदल चल के भी जा सकते हैं और आप गन के साथ भी शूट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप तीर कमान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिस चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल हों आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो पॉपुलर तरीका है वो ट्रक के ऊपर
इन जंगलों में आने का है, उसके लिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का ताकतवर 4x4 ट्रक चाहिए होता है। उसकी वजह ये है कि इलाका काफ़ी जो है वो रगड़ टेरेन है बेसिकली, और सड़कें ऊंची नीची हैं और पहाड़ी इलाका भी है। उसके अलावा आप जब बर्फ़ पड़ जाती है तो फिर 4x4 ट्रक के बगैर जो है यहाँ से गाड़ी का निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस इलाके में मुख्तलिफ किस्म की ज़मीन भी पाई जाती है, बाज़ खुले मैदानी इलाके हैं जिसको हम फार्म लैंड कहते हैं, उसके साथ साथ बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों में और मैदानी इलाकों में एक ख़ास फ़र्क जो है वो ये है कि बाज़ जगह जो हैं वो क्राउन लैंड है, यानी कि हुकूमत की इजारादारी है वहाँ पे, और बाज़ जगह जो हैं वो प्राइवेटली ओन्ड हैं। अब जो तो इलाका हुकूमत के उसमें कब्ज़े में है वहाँ पे, तो आप चूँकि आपने टैक्स खरीदा हुआ है, आपका ड्रा निकला हुआ है, तो आप उस हुकूमत की इजाज़त से वहाँ पे आप शूटिंग कर रहे हैं, आप शिकार कर रहे हैं, उसमें आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेटली ओन्ड, अगर मैं वहाँ पे जाके शिकार करना चाहूँ, तो वैसे तो इखलाकन भी, लेकिन यहाँ पे कानूनी लिहाज से मुझे उस किसान से जाके पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, उसको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी ज़मीन में आ रहा हूँ और मैं यहाँ पे शिकार खेलना चाहता हूँ। अगर वो मुझे इजाज़त दे तो मैं शिकार कर सकता हूँ, अगर वो मुझे इजाज़त ना दे तो मैं वहाँ पे शिकार नहीं कर सकता। उसके बावजूद अगर मैं वहाँ पे शिकार करूँ तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। यहाँ जंगलों में मुख्तलिफ जगहों पर तेल के कुएं पाए जाते हैं जिन तक रसाई के लिए कंपनियों ने दरख्त काट कर रास्ते बनाए हुए हैं, और ये कच्चे रास्ते हमारे लिए बहुत सहूलत पैदा करते हैं। इसके साथ साथ जंगल में बहुत सी जगहों पर हमें मुस्तकिल मचाने बनी हुई भी नज़र आईं, जिन पर बैठकर शौकीन शिकारी जो हैं वो घंटों तक जानवरों का इंतज़ार करते हैं। एक ऐसी ही मचान पर नुमान साहब चढ़कर इर्द गिर्द का इलाका देख रहे हैं और जानवरों को तलाश कर रहे हैं। अल्बर्टा कंजर्वेशन एजुकेशन नाम का एक इदारा अल्बर्टा में हंटिंग की तरबियत देता है। यहाँ ये अमर आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा कि अल्बर्टा सूबे की आबादी तकरीबन 3.25 मिलियन है, और दिसंबर 2006 तक ये इदारा तकरीबन 1 मिलियन लोगों को, यानी कि अल्बर्टा की तकरीबन 33% आबादी को हंटिंग की तरबियत फ्राहम कर चुका था। इससे आप अल्बर्टन माशरे में शिकार की अहमियत के बारे में भी जान सकते हैं, और ये कोर्स आप इंटरनेट के जरिए भी कर सकते हैं और क्लासरूम में दूसरों के साथ बैठकर भी। इसके साथ साथ गन के लाइसेंस के लिए भी तकरीबन 4 घंटे का एक कोर्स करना ज़रूरी है जिसमें गन से मुतल्लिक तमाम एहतियाती तदाबीर सिखाई जाती हैं। चले 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 ये एंटलर दरख्त को मारते हैं उसके लिए के दिखाने के लिए के रेडी है। नुमान ने भी जो हरकत की है वो इस तरह से की है कि जो उन्होंने अभी एल के लिए आवाज़ निकाली है, तो बेसिकली एल के लिए एक इन्विटेशन है कि आओ मेरे से लड़ाई करो और मेरे इलाके पे कब्ज़ा करो, या मैं तुम्हारे इलाके पे कब्ज़ा करता हूँ। तो ये जो दरख्त को जो छड़ी के साथ मार रहे हैं उसका ये मतलब है कि एल को आवाज़ चाहिए कि वो सींगों के साथ अपने दरख्तों को मार रहा है और दूसरे एल को वो लड़ाई के लिए दावत दे रहा है। तो इसलिए इस क्रम की हरकतें कर रहे हैं कि दूसरी तरफ जो अगर कोई एल वगैरह है जो हम जंगल में पैदल चल के ढूंढ रहे हैं, अगर कुछ नज़र आता है तो बाहर निकले, मुकाबले के सामने आए और हमारी गोली का निशाना बने।
जंगल में हम ज़रा अंदर आ चुके हुए हैं, तो अब हमारे लिए बेहतर होगा कि हमने जिस किस्म की आवाज़ें निकालनी है थोड़ी देर के लिए हम खामोशी इख्तियार करके एक कोने में बैठ जाएं और देखें कि अगर कोई जानवर बाहर निकलता है कि नहीं। तो आगे मुझे एक अच्छी जगह नज़र आ रही है जहाँ पे घास फूस है, तो हम वहाँ पे एक जगह पे छुप के बैठेंगे और एल्क का इंतज़ार करेंगे। इस वक्त हम जंगल में छुप के बैठे हुए हैं एक जगह पे। थोड़ी देर पहले नमाज साहब जो है वो एल्क को कॉल कर रहे थे। हमारे बैक साइड पे एक वैली है, उस वैली की तरफ से एक उसकी आवाज़ आई है वापस। उस आवाज़ के साथ जो है वो हमें लगा है कि एल्क इस तरफ को आ रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि एल्क की सुनने की हिस्स जो है वो बहुत तेज़ होती है, और जब उसका आवाज़ आती है तो वो फ़ौरन पता लगा लेता है कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है, और एग्जैक्ट उस स्पॉट की तरफ जाता है अगर वो लड़ने के मूड में हो। क्योंकि जो सबसे बड़ा एल्क होता है वो रिवर का सरदार होता है, और वो अपने पूरे रिवर को इकट्ठा रखना चाहता है, और अगर कोई और मेल एल्क उसे चैलेंज करता है तो वो सबसे पहले बड़ा एल्क जो है वो लड़ने के लिए आता है। तो अब हम जिस जगह से हमने कॉल की थी वहाँ से कुछ दूर आके हमें ये छुपने की जगह मिली। अब हम यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं और अब इस इंतज़ार में हैं कि किस तरह से एल्क वो सामने आए और हम उसका शिकार कर सकें। एक चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे बैठने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, और इस वक्त भी स्नोफॉल हो रही है। टेम्परेचर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ -6 के करीब है, जो कि इस इलाके में कोई इतनी ख़ास सर्दी नहीं है। लेकिन जब आपने ऐसे बैठना हो सकता है हमें 15 मिनट में एल्क मिल जाए, हो सकता है हमें यहाँ पे 2 घंटे ही बैठना पड़े। लेकिन जितनी देर आपने यहाँ पे बैठना है उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसी अंदाज से तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं मैंने टोपी पहनी है, ये टोपी है, अच्छी जैकेट पहनी हुई है, और ख़ास तौर पर जूते, क्योंकि आपके पैर जो हैं वो बर्फ़ के अंदर हैं हर वक्त, तो उसकी वजह से आपके पैर बहुत ठंडे हो सकते हैं। तो ख़ास तौर पर उसके लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो आप तैयारी करके आएँ, और देखते हैं अभी कुछ देर में हमें यहाँ पर क्या मिलता है। कुछ नजर आया? नमाज साहब अपनी आंखें टिकाए बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि शायद इस साइड से कहीं से हमें आवाज आई थी, लेकिन एल की जो हिस्सा सुनने की वो डेफिनेटली हमारे से बहुत तेज है। सो नॉट श्योर कि इस साइड से आएगा या इस साइड से आएगा, लेकिन हम उसके लिए अब छुप के बैठे हुए हैं। पूछेगा आप किधर हो, कि वो उसके कोई खास बोलने का स्टाइल है जो तुम्हें समझ में आएगा। उसने जैसे हमने उसको बुलाया था पहले, हाँ, ऐसी कॉल उसकी भी आएगी। अच्छा, दरमियान में आवाज़ें ऐसी आई थी जैसे एल्क हमारी कॉल का जवाब दे रहा है, और किसी जानवर के चलने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन 20-25 मिनट तक यहाँ छुप के बैठे रहने के बावजूद हमें कोई जानवर नज़र नहीं आया। एल्क बहुत होशियार जानवर है, और ख़ास तौर पर उसकी सूंघने की हिस भी बहुत तेज़ है। तो मुझे यकीन है कि उसने पहले तो समझा होगा कि एल्क की आवाज़ आ रही है, मुझे चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन करीब आके ज़रूर उसने हमें स्मेल किया होगा, या उसको कोई और शक पड़ा होगा, वो जानवर इस तरफ नहीं आया। तो अब हम चलते हैं और थोड़ी दूर, देखते हैं कि आगे हमें कोई जानवर मिलता है या नहीं। तो चलिए हमारे साथ लेंगे।
वो सा तो वहाँ पड़ी थी। जानवर का शिकार करने के बाद सबसे अहम बात उस पर सबसे पहले अपना टैग लगाना है। टैग लगाते ही आपका शिकार किया हुआ जानवर आपके लिए कानूनी हो जाता है। अगर आपने टैग नहीं लगाया हुआ उसके बावजूद बेशक आपने जानवर कानूनी तौर पर शिकार किया है, लेकिन वो आपके लिए बहुत कानूनी पेचीदगियाँ जो है वो पैदा कर सकता है। शिकार करने के बाद, टैग लगाने के बाद सबसे पहला काम आप जो करते हैं, ख़ासतौर पर हिरन वगैरह के मामले में, कि उसके वो ग्लैंड्स होते हैं जिनको आप काट के फेंक देते हैं, वरना वो गोश्त को ख़राब करते हैं। दूसरी सबसे अहम बात जो आप करते हैं वो जानवर को का पेट चेक करके उसके सारी आंतें वगैरह और उसका मैदा वगैरह जो है वो सारा कुछ उसमें उसके पेट से निकाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो खाली गोश्त बाकी रह जाए और वो गोश्त जो है वो मौसम के साथ ठंडा होता जाए और उसके ख़राब होने के जो हैं वो चांसेस ना रहें। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने हिरन शिकार किया है वहाँ पे नुमान साहब और यूसुफ खान साहब जो है अभी उसको उसकी सफाई कर रहे हैं, उसका फजदा निकाल के एक साइड पे वो फेंक देंगे। इसमें ख़ासतौर पे हमें ये ख्याल रखना होता है कि हम सामने किसी के इस चीज़ को ना फेंकें ताकि बाद में आने वालों के लिए वो जो है गंदगी का बायस ना बने। उसको एक साइड पे फेंक देते हैं और उसको यहाँ से उठाते इसलिए नहीं है कि इसके ऊपर बहुत सारे दूसरे जंगली जानवरों के खाने पीने का इंतज़ाम होता है। अगर हम कल शाम के वक्त यहाँ पे आएँ या एक दो दिन ठहर के आएँ तो यहाँ से हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। जितने तो फैलिए जानवर हैं दूसरे, गीदड़ हो गए, लोमड़ी हो गई, इस किस्म के दूसरे जानवर जो हैं वो इन चीज़ों को फौरन आके खाना शुरू कर देंगे, और कौवे ख़ास तौर पे, और ये दूसरे जानवरों के लिए रिस्क का बायस भी बनेगा। अल्बर्टा में जो तीर कमान के जरिए शिकार किया जाता है वो शिकार का मौसम तकरीबन अगस्त के वस्त में शुरू हो जाता है। अगस्त के वस्त में उसको शुरू करने की एक बड़ी वजह यह है कि उस वक्त मौसम बहुत बेहतर होता है और जो तीर कमान के जरिए आमतौर पर शिकार किया जाता है वो पैदल चल के या क्वाड के साथ जंगल के अंदर जाके जानवर को तलाश करके उसका उसके करीब जाके उसका शिकार किया जाता है। जबकि ज़्यादातर लोग जो गन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो शिकार करने के लिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना उन्हें दिया जाता है। ये महीने इस लिहाज से बहुत अहम है कि इस महीने में जो छोटे जानवर जिनकी पैदाइश मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीनों में हुई होती है वो इस वक्त इतने मैच्योर हो चुके हो जाते हैं कि वो अपने बड़े जानवरों के बगैर उनका गुजारा हो सकता है। तो ये एक बड़ा इन्होंने तरीके से सोच के एक इसका साइकिल जो है वो रखा हुआ है। अब नवंबर का महीने में जब बर्फ़ पड़ जाती है और हर तरफ जो है वो सफ़ेदी हो जाती है, जानवर का नज़र आना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ टेम्परेचर जो है वो हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग कंडीशंस पैदा कर देता है। अब सर्दी जब बढ़ जाती है तो जानवर ऑटोमेटिकली बाहर निकल के धूप में आके खड़ा होने की कोशिश करता है ताकि वो सूरज से गर्मी हासिल कर सके। तो उसके लिए तो वो अच्छी चीज़ हो जाती है, लेकिन हमारे लिए वो एक काफ़ी ट्रेचर्स जो है वो बन जाता है। उसके साथ साथ हमें जो पहले का वक्त है जिसमें आप कह लें सितंबर का महीना जो है और अक्टूबर का पहला हाफ जो है उसमें टेम्परेचर तो बेशक इतना नहीं गिरता, लेकिन उसमें जानवर भी इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जानवर की नफसियात ये है कि वो शाम के वक्त बाहर निकलता है, मैदान की तरफ आता है, घास चरता है और सुबह होते ही वो वापस जंगलों के अंदर घुस जाता है। और एक बार जब जानवर जंगल के अंदर घुस जाए तो दोस्तों के दरमियान में उसे ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो आप अभी निशान देख रहे हैं ये गालबन हिरन के पांव के निशान हैं। इनको हम ट्रैक्स बेसिकली कहते हैं जो जानवर के गुजरने की वजह से यहाँ पर बनते हैं। जब बर्फ़ पड़ जाती है तो उस वक्त ये ट्रैक्स बहुत नुमायाँ हो जाते हैं और यहाँ जो पैदल शिकार करने वाले लोग हैं या क्वाड्स के ऊपर जो मोटरसाइकिल की तरह के चार पहियों वाली मोटरसाइकिल की तरह के एक सवारी है उसमें आने वालों के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। अब जानवर तो जंगल में हर वक्त हर तरफ पाया जाता है और हर तरफ वो चलता फिरता भी रहता है।
तो बेसिकली सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो है वो जानवर ज़्यादा चलता फिरता है, और उसके जो ट्रैक्स हैं आप उनको देख के ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि यहाँ से किस वक्त कितने जानवर गुजरे हैं, और आप उसके हिसाब से बाज़ अवकात दरख्तों पे मचाने बना के वहाँ पे आप छुप के बैठ सकते हैं और जानवर का शिकार कर सकते हैं। नुमान बैठा हुआ क्या कर रहा है? नुमान जो है वो इस वक्त हमने यहाँ पर एक एल्क देखा जो कि नर था, वो दौड़ के इधर जंगल की तरफ गया, तो हम उसको अब कॉल करके तो निकाल रहे हैं ताकि वो आए और फाइट करे, और ये उसको चैलेंज है और चैलेंज कर रहे हैं उसको। तो आवाज़ पे कभी काऊ की आवाज़ निकालते हैं, कभी वो जो एक डिवाइस सी पकड़ी हुई है नुमान ने वो बुल कॉल है, और जो मेरे पास है वो काऊ कॉल है। जब ये कॉल करते हैं तो उसको कॉल का रिस्पांस देते हुए एल्क जो है वो दोबारा वापस आ सकता है। तो वो वापस क्यों आया, क्यों लड़ाई करेगा आपके साथ आके? वो आपके साथ लड़ाई करेगा या आपके नहीं, किसी दूसरे एल्क की तरफ से उसको चैलेंज आ रहा है? ये दूसरे एल्क की तरफ से उसको चैलेंज आ रहा है। ये जो काऊ कॉल है, और वो काऊ कॉल में वो क्योंकि काऊ आजकल मीटिंग सीजन है, उसमें वो चेस करने उसको आएगा, तो जब काऊ कॉल करते हैं तो वो समझेगा कि कोई वहाँ पर जो मेरी हेड की काऊ है वो बुला रही है, तो उसके लिए वो निकल के आएगा उसके लिए। तो ये आपके पास कुछ और भी चीज़ें हैं? मेरे पास ये एक मूस कॉल है, ये और भी बहुत सी बाज़ार में मिलती हैं, लेकिन एक सिंपल हमने घर पे बनाई हुई है। इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि ये एक इस तरह सिलेंडर सा लेके उसके अंदर एक लेसेस जो है उसके यूज़ कर लेते हैं हम। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये तो बिल्कुल एक खाली डब्बा खाली डब्बा जो है, इससे आवाज़ दूर तक जाती है। इसको मैं आपको चला के बताता हूँ, मूस को कॉल करना हो, बुल मूस को, तो उसके लिए हम इसको इसको वेट कर लेते हैं स्ट्रिंग को। जब इसको गीली से आएगी, सूखी से आवाज़ नहीं आएगी। जब इसको गीला कर लें उसके बाद ये आवाज़ के लिए उसके ऊपर सिलेंडर लगाया गया। इस कॉल पे बुल मूस जो है वो फिर फाइट के लिए वो भी इसी तरह निकल के आएगा। अच्छा, तो इसी तो एल्क की कॉल नुमान के पास है, आपके पास मूस की है, उसके अलावा हिरन के लिए भी कुछ चीज़ होती है आपके पास कि हिरन को भी ऐसे बुलाया जाए मुकाबले के लिए? हिरन का जो है ग्रंट कॉल कहलाता है वो, जब हिरन नर हिरन जो है उसको बुलाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर दौड़ भी रहा है तो उसको खड़ा करने के लिए। तो ये तो बड़ी हल्की सी आवाज़ है, ये आवाज़ मतलब दूर अगर हिरन भाग रहा है तो वहाँ दूर तक आवाज़ जाएगी? हिरन की जो सुनने की ताकत है वो इतनी सेंसिटिव है कि आप हल्की से हल्की जो है ना आपकी बास टाइम पाँव की और आपके सांस की जो है वो भी कैच कर लेता है आवाज़ को, और इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है वो, तो इस आवाज़ को वो जितनी भी मध्यम हो इसको बल्कि कवर करके निकालते हैं आवाज़, और वो सुन लेता है और वो वहीं खड़ा हो जाएगा और फिर उसके मुकाबले के लिए आएगा। तो ये बेसिकली आप ये कॉल्स वगैरह के ज़रिए आप जानवर को एक जगह पे रोकने में आपको ये मदद देते हैं? इसे रोकने में और बुलाने में दोनों। ही जानवर भाग रहा है आप ये कॉल करते हैं, जानवर रुक जाता है और आपको वहाँ पे गोली चलाने का मौका, वहाँ पर वो हमें जो उसका जितने सेकंड देगा, हमें एक मिनट देगा या सेकंड देगा, उसमें वो टाइम मिल जाता है कि हम उसको शूट कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका है जिसमें आप जानवर की नफ्सियात से खेलते हुए उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे अगर हिरन की सुनने की चूँकि बहुत तेज़ है, क्यों ही आप उसके करीब जाएंगे या उस इलाके में भी आप कदम रखेंगे तो हिरन वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, और आपके वहाँ पहुँचने से पहले और आपके रेडी होने से पहले वो वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन ये कॉल के ज़रिए आप उसको वहीं पे रोक सकते हैं और उसमें आपको गोली चलाने का मौका मिल सकता है।
जानवर है कुछ? जानवर है नजर आ रहा है, हिरन है मेरा ख्याल है, हिरन है, इसको देख लेते हैं। हिरन है, हाँ जी, इसको मैं शॉट लेने लगा हूँ। गिर गया, गिर गया, गुड। क्या था, हिरन था? बहुत बड़ा। अच्छा, नजर तो आ रहा 5x5 उसका पॉइंट है और ड्रॉप हो गया वो। तो ये मुझे नजर नहीं आया, आपको नजर आ गया? या हाँ, सिर्फ उसके सींग देखे थे। अच्छा, वो थोड़े से मूव हुए तो उसके ऊपर शक पड़ा, तो जब मैंने कंफर्म किया स्कोप के जरिया, उसके अपने दूरबीन के जरिया, तो वहां पर खड़ा था वो। तो वो उसने बस हमारी तरफ देखा ही है, तो उतनी देर में मैंने शॉट लिया, किल शॉट था, विंड ड्रॉप तकरीबन, या ये जो मैंने इसमें रेंज फाइंडर में देखा था ये 80-85 yard पे था। रेंज फाइंडर से आपकी क्या मुराद है? रेंज फाइंडर जो है दूरबीन के अंदर लगा हुआ है, जो उसका डिस्टेंस बताता है। अच्छा, कि कितनी दूरी पे जानवर खड़ा है। तो इसके साथ फिर आपने देख के उसको उसके हिसाब से एडजस्ट किया? इस तरह इसको जो है, अगर तो 200 yard पे हमने सेट किया हुआ है तो कम फासला था, इसलिए कम फासले के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। लेकिन ज्यादा फासला हो तो इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है मीटर, ये जो इसका इसको चेंज कर सकते हैं आप। अगर 300 yard है तो 3 पे कर लें, और 400 पे कर लें, 800 पे कर लें, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये रेंज फाइंडर, बिनोकुलर्स, दूरबीन और स्कोप, और उसके बाद इसकी गोली, ये सारा कुछ जो है वो उसके हिसाब से फिर एडजस्ट करती है। मुझे ये बताएं जी कि जब आपने मुझे ये कपड़े खरीदने के लिए फोर्स किया जी, ठीक है, पैसे खर्च करवाए, अच्छी वाली जींस की पैंट मैंने पहनी हुई थी जी, आपने कहा उसका कोई फायदा होगा जी, तो हिरन ने हमें नहीं था देखा? हिरन ने ये देखा जरूर, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड होते हैं। अच्छा, उसने ये जरूर देखा कि कुछ चीज मूव कर रही है। हाँ। लेकिन उसको ये नहीं पता उसके, क्योंकि कलर ब्लाइंड होने की वजह से जब आपने ये पहने हुए हैं तो उसने यही समझा होगा कि या तो कोई झाड़ी है जो हवा से हिल रही है या कुछ, तभी उसने खड़े होकर देखा हमें एकदम से। और ओके। उसमें जो है वो, अगर आप दूसरे कपड़ों में होते तो उसको कुछ और चीज महसूस होती, इस तरह वो हर चीज, उसकी सेंस बहुत तेज है, वो हर चीज को जज कर लेता है। सही है, तो चलें फिर पकड़ते हैं, चलें खाते हैं, इसको सफाई करें, चलते हैं। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम हंटिंग इन कनाडा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आप इस प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। इस मुख्तसर से वक्त में हमने कोशिश की कि आपको हर किस्म की मालूमात शिकार के मुतालिक मुहैया करें, लेकिन ज़ाहिर है कि ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अगर आप शिकार पर जाना चाहें तो सबसे पहले अपने मुकामी हुकाम से राबता कायम करें, और जो भी मुकामी कवानीन और कायदे ज़वाबत हैं उनसे वाकफियत हासिल करने के बाद आप शिकार को शुरू करें। इसके अलावा एक असूल अपना ज़रूर बनाएं कि सेफ्टी फर्स्ट, अगर आप महफूज होंगे तो आप इस किस्म की एक्टिविटी से ज़्यादा अच्छी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इसके साथ इजाज़त दें अपने होस्ट मुबशर अहमद को, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। Oh! Oh!